इन अनदर न्यूज, कॉरपोरेशन फाइंस 3 कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर डिले. ठीक है, ये स्पेसिफिक न्यूज था स्टेट रीजन का. इसमें क्या हुआ था कि जो फ्लडिंग की सिचुएशन में जो ड्रेनेज एरिया बना हुआ था या फिर जो छोटे वॉल्स बनाए जाते हैं जिससे कि फ्लड हो, उस सिचुएशन में फ्लड को रोका जा सके, वो सारे वॉल्स टूट गए थे और ड्रेनेज का भी सिस्टम था वो जो है मतलब खराब हो गया था, पूरी तरह से भरा हुआ था. इसीलिए कॉरपोरेशन को कोर्ट ने फाइन कर दिया था. तो कॉरपोरेटर ने कॉन्ट्रैक्टर को फाइन कर दिया था. तो यही स्पेसिफिक न्यूज़ है कि कॉरपोरेशन फाइन्स 3 कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर डिले. अब क्या हुआ, तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार कैसे सिचुएशन जो है डिटोरिएट करती है. तो पहले फ्लडिंग क्या है, टेम्प्रेरी ओवरफ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, जो एक जनरल लेवल है वाटर का उससे ओवरफ्लो कर जाता है वाटर, उस स्पेसिफिक सिचुएशन को बोलते हैं फ्लडिंग. ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्लडिंग, रेन, स्नो, कोस्टल स्टॉर्म्स, स्टॉर्म सर्जेस एंड ओवरफ्लोज ऑफ डैम्स. ठीक है, कंटिन्यूअस टोरेंशियल रेन अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में होता है और वहां पर आसपास कहीं पर डैम है, तो डैम का जो स्पेसिफिक हाइट होता है उससे अगर वाटर राइज करने लगता है तो उस वाटर को रिलीज करना होता है. ये जो वाटर रिलीज होता है उससे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें फ्लडिंग हो जाती है. ठीक है, तो इट इज अ मेन कॉज ऑफ फ्लडिंग. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस, डिसरप्ट ट्रांसपोर्टेशन, डैमेज बिल्डिंग्स एंड क्रिएट लैंडस्लाइड्स. ठीक है, अब वाटर अगर किसी स्पेसिफिक हिल में अगर कहीं पर लॉक हो जाए और वो जो हिल हो उसमें कोई काइंड ऑफ लीकिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, तो जो हिल का पार्ट होता है वो वहां से कट जाता है. ठीक है, लैंडस्लाइड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ द जैमिंग ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर रॉक. ठीक है, तो लैंडस्लाइड सिचुएशन शुरू हो जाती है. और इसके और जो फ्लड के कॉन्सिक्वेंसेज वो क्या है, डिसरप्ट ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो रोड्स होंगे उस पर पानी आ जाता है, या फिर अगर कोई अर्बन बिल्डिंग्स हैं तो उसमें पानी चला जाता है. तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज दैट हैपन बिकॉज ऑफ द फ्लडिंग. ओके, नाउ लेट अस नो व्हाट आर द फ्लड मिटिगेशन मेजर्स दैट शुड बी टेकन अप. ठीक है, स्पॉन्सिटी. ठीक है, कीप एंड ऑब्जॉर्व रेन वाटर थ्रू सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, अब क्या होता है कि अभी आपने सुना होगा कि जो फ्लड है वो खास करके जो अर्बन सिटीज़ है उसमें जब फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है तो पहले फ्लड के जस्ट पहले या फिर टोरेंशियल रेन के जस्ट पहले गवर्नमेंट से ये कहती है कि आप स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पॉन सिटी बना लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि जगह जगह पर जो ड्रेनेज करने के जो तरीके होते हैं उसमें पखवाड़ा जैसी चीज़ें बना दिया जाए जिससे कि पानी जो है वहाँ पर रिसीव हो जाए और वो जो है डायरेक्टली अर्थ के अंदर चला जाए. ठीक है, तो ये जो स्पॉन सिटी होता है इससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है, क्योंकि अगर पानी ओवरफ्लो करेगा तो दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड एट सम पार्ट वेयर सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस हैव बीन क्रिएटेड या पॉटहोल्स हैव बीन क्रिएटेड. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड मेजर एज फार एज फ्लड मिटिगेशन इज कंसर्न. ओके, नाउ ग्रीन रूफ्स एंड रूफ गार्डन्स. अब क्या होता है कि बारिश जब होती है और जो हाई टॉप रूफ्स होते हैं वहाँ पर भी पानी जमा हो जाता है और उसका पाइप डायरेक्ट नीचे निकाला जाता है, जो कि जो रूफ जो टॉप रूफ होते हैं उसका भी पानी बह के नीचे रोड पे चला जाता है. ठीक है, अब अगर वहाँ पर भी ग्रीन प्लांटेशन कर दिया जाए तो कुछ पानी जो कि पूरा का पूरा नीचे जा रहा है उसमें से कुछ पानी कम से कम ऐसे गार्डन्स जो है अब्सॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, और वो अब्सॉर्ब करने से ये हो जाएगा कि जो जो प्लांट है वो जो है और भी अच्छा फले फूलेगा ऊपर पे, और भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऑब्जर्व करने में और मदद करेगा. ठीक है, तो रूफ गार्डन्स भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे कि फ्लडिंग को हम जो है थोड़ा सा रोक सकते हैं. ठीक है, बिल्डिंग ओनर अ स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट टूल. ठीक है, ये एक स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट टूल भी है, इसको कहा जाता है रिडक्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर रन ऑफ. ठीक है, मैंने बताया ना कि बिल्डिंग के ऊपर जो बारिश हो जाती है उसको पाइप के थ्रू जो नीचे जाना है उसको ज़्यादातर पानी को ऑब्जर्व कर लेगा जो छत पे गार्डन बना दिया जाए या फिर वहां पर अगर कोई ट्रीज का प्लांटेशन कर दिया जाए, छोटे पौधों का प्लांटेशन कर दिया जाए. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंबाइंड सीवर ओवरफ्लो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड रेन इफेक्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन फ्रॉम द रेन वाटर. ठीक है, जो सीवर है हमारे यहाँ पर खास करके जो अर्बन सिटीज है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता अगर देखेंगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत बेकार है. तो ड्रेनेज सिस्टम बेकार इसलिए है क्योंकि उसमें सारे के सारे काफ़ी छोटे भी हैं, और बेकार है इसलिए क्योंकि उसमें सॉलिड वेस्ट भी चला जाता है और वो सॉलिड वेस्ट वाटर को बहुत ब्लॉक कर देता है. वाटर को ब्लॉक कर देता है तो ड्रेनेज जो है ओवरफ्लो करने लगती है. जब ड्रेनेज ओवरफ्लो करने लगेगा तो बाहर के पार्ट्स में फ्लडिंग हो जाती है. तो ऐसे सिचुएशंस इन रूफटॉप पे जो वाटर जो कि रोका जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है, वो भी नीचे चले जाते हैं जिससे कि फ्लडिंग जैसे सिचुएशन हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सीवर ओवरफ्लो जो करना है उसको रोका जाए थ्रू क्रिएटिंग ग्रीन रूफ्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड रेन इफेक्ट,
ठीक है, एसिड रेन इफेक्ट, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जो डायरेक्ट हीटिंग होती है वो हीटिंग डायरेक्टली डायरेक्ट रूफ पे टकरा कर वो या तो कुछ रिटर्न हो जाती है, कुछ ऑब्जर्व हो जाती है। जो ऑब्जर्व हो जाती है बिल्डिंग में, उससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो उससे भी राहत मिलने के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ गार्डन अगर रूफ पे बना दिया जाए, दैट विल बी इमेंसली हेल्पफुल फॉर द एनवायरमेंट। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन फ्रॉम द रेन वाटर, सो इसके थ्रू नाइट्रोजन को भी रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन व्हाई हाउ यू कैन डू फ्लड मिटिगेशन। ओके, फ्लड प्लेन्स एंड ओवरफ्लो एरियाज फॉर रिवर्स, ठीक है, रिटेन द अब्सॉर्ब वाटर, शील्डिंग नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज। अब क्या होता है कि जो फ्लडिंग है, फ्लडिंग का जो सिचुएशन होता है उसमें जो एग्जैक्ट रिवर का जो नोड है उससे बाहर आकर, जो कैचमेंट एरिया है उससे भी बाहर आकर काफ़ी वाटर जो है अंदर शहर में चला जाता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको बिल्कुल भी क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर ऐसी प्लांटेशन कर दी जाए जिससे कि पानी थोड़ा सस्टेन हो सके, और जब पानी सस्टेन हो जाए तो वहाँ पर सॉइल में ऑब्जॉर्व भी हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार सिचुएशंस अगर रिवर के आसपास बना दिया जाए तो थोड़ा फ्लडिंग के सिचुएशन थोड़ा सा कम हो सकते हैं। ओके, सेपरेशन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सीवर सिस्टम एनेबल्स द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू फंक्शन प्रॉपरली। अब मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट को भी, सॉलिड वेस्ट भी जब ड्रेनेज में चला जाता है वो वाटर के फ्री फ्लो को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से बाहर फ्लडिंग हो जाती है। तो ये सॉलिड वेस्ट अगर ड्रेनेज में ही ना जाए और डायरेक्टली जो है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू किसी स्पेसिफिक प्लांट में चला जाए जो कि इसको जो है रिसाइकिल कर सके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल। वेरस जो वेस्ट वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर डायरेक्ट ड्रेनेज में है उसको भी ट्रीटमेंट प्लांट में जो है, अगर जो वेस्ट वाटर है उसको डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट में अगर भेज दिया जाए तो वहाँ से भी जो वाटर है उसको डिस्टिल करके उसको और भी जैसे इरिगेशन या फिर प्लांट में देने के लिए ऐसा स्पेसिफिक वाटर जो है बनाया जा सकता है। तो ये भी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी ओर अगर ड्रेनेज को सप्लाई कर दिया जाए, दैट विल बी इमेंसली हेल्पफुल और फ्लडिंग से काफ़ी बचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है प्री फ्लडिंग प्लान है, फ्लडिंग के बाद का प्लान नहीं है, प्री फ्लडिंग प्लान, फ्लडिंग होने के पहले का प्लान है, यानी ट्रांजिशनल रेन के काफ़ी पहले का प्लान है जो कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ही कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन एंड एटेन्यूएशन सिस्टम्स। ठीक है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम्स को भी क्रिएट करना और एटेन्यूएशन सिस्टम्स को बनाना, ये जो है फ्लड मैनेजमेंट करने का एक स्पेसिफिक तरीका हो सकता है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम कैप्चर स्टॉर्म वाटर रनऑफ टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द सॉइल, वाटर स्टोर्ड विद फ्लो कंट्रोल्स एंड स्लोली रिलीज्ड बैक इनटू वाटर कोर्स और सीवर सिस्टम। अब क्या होता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम है एक स्पेसिफिक पॉटहोल टाइप का बना दिया जाता है जो कि एक बड़े से टैंक में जाके मिला रहता है, और वो जो जो पॉटहोल टाइप का होता है वहाँ पर अगर आसपास ग्रासेस होते हैं उसमें पानी जो है काफ़ी सस्टेन होता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है और वो जाके सेटल कर जाता है नीचे के टैंक में। ठीक है, तो ये है इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम, ये स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को जो है वो कैप्चर कर लेता है और उसके थ्रू धीरे धीरे जो टैंक में डिपॉजिट होता है उसको धीरे धीरे सॉइल में इन्फिल्ट्रेट कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम। अटेन्यूएशन सिस्टम जो कि फ्लो कंट्रोल्स एंड स्लोली रिलीज बैक इनटू वाटर कोर्स और सीवर सिस्टम, ये जो है पूरी तरह से फ्लो को ब्लॉक करेगा और थोड़ा थोड़ा जो पानी है उसको ही छोड़ता है जो कि वो ड्रेनेज में चला जाता है या सीवर में चला जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन सिस्टम। दोनों ही सिस्टम्स क्या करते हैं कि फ्लो ऑफ वाटर है उसको रोक देते हैं या उसको काफ़ी धीमा कर देते हैं जिससे कि वाटर फ्लो एक जगह पर ब्लॉक हो जाए और जो यूज़फुल वाटर है उसका ही इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि एटेन्यूएशन में सीवर सिस्टम में पानी जो है उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है और इन्फिल्ट्रेशन में जो रेन वाटर है उसको डायरेक्ट सॉइल में सीप करने के लिए एक स्पेसिफिक टैंक बना दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड मेजर एज फार एज फ्लड मिटिगेशन इज कंसर्न्ड।